बड़ी खबर आपको बता दे, आज वाराणसी में रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली से काशी पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री। वाराणसी में सातवें चरण में मतदान होना है 7 मार्च को, उससे पहले उत्तराखंड के दिग्गज अब चुनाव प्रचार में ताकत झोंकते हुए उत्तर प्रदेश में देखे जाएंगे। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चुनाव प्रचार करेंगे, आज वाराणसी में होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और आपको बता दें कि दिल्ली से काशी पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे, चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे, भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। वाराणसी में सातवें चरण में यानी कि 7 मार्च को वोटिंग होने वाली है। विनोद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, सीएम पुष्कर सिंह धामी का वाराणसी का कार्यक्रम है, वाराणसी का दौरा है, विस्तार से चाहूंगी कि जानकारी दीजिएगा, बताइएगा कि कब तक वो वाराणसी में होंगे और क्या क्या कार्यक्रम है उनका। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो उत्तर प्रदेश का आखिरी चरण है यानी 7 तारीख को आखिरी चरण है, उससे ठीक पहले आज चुनाव प्रचार में जुटेंगे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मुंबई से वो सीधे बनारस पहुंचेंगे, वाराणसी पहुंचेंगे और जितने भी भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके चुनाव प्रचार कर उनके पक्ष में वोट मांगने की लोगों से अपील करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, कैंपेन करेंगे। और जिस तरह से उत्तराखंड में मतदान संपन्न हो चुका है और उसके बाद में तमाम जितने भी भाजपा के नेता हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हों, संगठन के नेता हों या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलग 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 ड्यूटी लगी हुई है और उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में अलग अलग नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वाराणसी पहुंचेंगे और भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने की अपील लोगों से करेंगे। जी बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए।